12 घंटे के बाद भी एयरफोर्स के लापता विमान का कोई अता पता नहीं, जारी है कोस्ट गार्ड, वायुसेना और नेवी का सर्च ऑपरेशन। एयरफोर्स के लापता प्लेन को ढूंढने के लिए लगाए गए 5 प्लेन, वायुसेना के ऑपरेशन में C-130 भी शामिल। एयरफोर्स के प्लेन के लापता होने के बाद चेन्नई में कोस्ट गार्ड की इमरजेंसी मीटिंग, 13 जहाजों के साथ युद्ध स्तर पर नेवी ने भी चलाया सर्च ऑपरेशन। सुबह के करीब 9:45 बजे से AN-32 विमान से नहीं है कोई संपर्क, प्लेन में सवार थे 6 क्रू मेंबर समेत 29 लोग। चेन्नई के ताम्बरम से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था विमान, टेक ऑफ के सिर्फ 16 मिनट बाद टूटा रेडियो कॉन्टैक्ट। अब थाना पुलिस के चक्कर में मायावती, पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की मां ने लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। अगर एक औरत की बोलने की बात एक औरत को बोले, गलत बोले, तो क्या मैं औरत नहीं हूँ? मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरे घर के औरतों की, मेरी बूढ़ी सास की कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी बेटी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम हर्ट नहीं होते हैं? दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह के सवाल पर मायावती ने थपथपाई कार्यकर्ताओं की पीठ, कहा गलती का एहसास दिलाने के लिए किया उग्र प्रदर्शन। दयाशंकर की माँ, उसकी औरत बेटी, तो दयाशंकर के बयान के खिलाफ वो मीडिया में कुछ भी बोल देती तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं नहीं कह रही, वहाँ पे जो मुझे लोगों ने बताया कि लोगों में जो गुस्सा व्याप्त था, तो शायद वो लोग का इस्तेमाल नहीं करते। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर स्वाति सिंह के संगीन आरोप, कहा बेटी के खिलाफ किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ट्रॉमा में है 12 साल की मासूम। स्वाति सिंह के आरोपों पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की चेतावनी, कहा गुस्से में थे कार्यकर्ता, ना जाने क्या कर जाती भीड़। दयाशंकर सिंह को लेकर उल्टा पड़ने लगा मायावती का दाव, रामविलास पासवान ने की बीएसपी सुप्रीमो से माफी की मांग। अब भी जारी है दयाशंकर सिंह के खिलाफ बीएसपी का विरोध प्रदर्शन, पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। संसद का वीडियो बनाने पर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मांगी माफी, लेकिन स्पीकर ने मामले को बताया गंभीर, कहा माफी से नहीं बनेगी बात। संसद के वीडियो को लेकर बढ़ सकती है भगवंत मान की मुश्किलें, संसदीय जांच कमेटी बना सकती है स्पीकर सुमित्रा महाजन। संसद के वीडियो को लेकर भगवंत मान की सफाई, कहा स्पीकर से मांगी माफी, जांच कमेटी में पेशी के लिए तैयार। पुलिस तक पहुंचा संसद के वीडियो का मामला, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के खिलाफ संसद मार्ग थाने में मामला दर्ज। भगवंत मान के वीडियो के बाद गृह मंत्रालय की बड़ी चिंता, संसद के सुरक्षा इंतजामों में किए जा सकते हैं फेरबदल। इंटरनेट पर संसद के वीडियो पोस्ट करने को गृह राज्य मंत्री ने बताया गंभीर मसला, कहा हो सकती थी कार्रवाई, लेकिन अब विशेषाधिकार का मामला। आम आदमी पार्टी ने किया भगवंत मान का बचाव, कहा खामियां दिखाने के लिए पोस्ट किया संसद का वीडियो। आपसे निलंबित सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने की अलग सीट की मांग, बोले संसद में भगवंत मान के पास से कई बार आती है शराब की बदबू। गुजरात के ऊना में जारी है नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, दिल्ली के सीएम ने राजकोट के अस्पताल में पीड़ितों से की मुलाकात, घर जाकर दलित पीड़ितों के घायल पिता से भी केजरीवाल ने की मुलाकात, चाय की चुस्कियों के बीच पूछा हालचाल। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल, कहा राज्य की शह पर हुआ हमला। राजकोट अस्पताल में पुलिस वाले की हत्या के आरोपी से भी मिले केजरीवाल, अमरेली में हुई थी कांस्टेबल पंकज की हत्या। हत्या के आरोपी से केजरीवाल की मुलाकात पर बीजेपी ने उठाए सवाल, केजरीवाल बोले सिपाही के परिजनों से भी करूंगा मुलाकात। राहुल और केजरीवाल के दौरे को लेकर सीएम आनंदीबेन का हमला, बोली चुनाव आते ही फायदा उठाने की हो रही है कोशिश। दलितों के साथ मारपीट केस में जारी है सियासत, कल पीड़ितों से मुलाकात के लिए पहुंच रही है 3 संसदीय टीएमसी की टीम, शरद यादव ही करेंगे दौरा। कोहिनूर को वापस लाने की कोशिशों में जुटी केंद्र सरकार, कैबिनेट और विदेश सचिव के साथ सुषमा स्वराज और महेश शर्मा की हाई प्रोफाइल मीटिंग। कोहिनूर वापस लाने की कोशिशों में आएगी तेजी, 15 अगस्त के बाद यूके सरकार से बातचीत कर सकती है केंद्र सरकार। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की मैराथन प्लानिंग, 18 जिलों के लिए प्रचार प्रभारियों के नामों का ऐलान। पूर्वांचल में मोदी ने किया यूपी चुनाव का आगाज, गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास, 26 साल से बंद पड़े खाद कारखाने की भी शुरुआत।
700 बिस्तरों वाला होगा 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एम्स। पीएम बोले, इलाज की कमी की वजह से अब नहीं होगी बच्चों की मौत। गोरखपुर में पीएम ने राज्य के अखिलेश सरकार को घेरा, कहा सूबे के हेल्थ सेक्टर के लिए दिए 7000 करोड़ रुपए, लेकिन करीब 3000 ही ले पाई यूपी सरकार। गोरखपुर में यूपी सरकार पर प्रधानमंत्री का जोरदार निशाना, बोले परिवारवाद के खेल से नहीं विकासवाद से होगा राज्य का भला। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच की पूजा अर्चना, पूर्व महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण। कल दो दिनों के कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, हिंसा के बाद के तनाव को लेकर अलग अलग दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। जम्मू में बीजेपी के विधायकों और नेताओं की बैठक, घाटी के हालात को लेकर हुई माथापच्ची। कर्फ्यू के बावजूद घाटी में जारी है छिटपुट हिंसा, अवंतीपुरा में हिंसक झड़प में एक युवक की मौत, 46 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। लगातार 14 दिनों से घाटी के 10 जिलों में जारी है कर्फ्यू, जुमे की नमाज के लिए किए गए सुरक्षा के खास इंतजाम। कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचा घाटी का तनाव, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर करगिल में विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फराबाद की रैली में पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के नापाक बोल, कहा मेरे लिए पाकिस्तान और कश्मीर में कोई फर्क नहीं। कश्मीर को लेकर फिर फड़फड़ाया पाकिस्तान, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में शिकायत करेंगे नवाज, टीम भेजने की करेंगे गुजारिश। राजस्थान के गुजरावाला में लश्कर के चीफ ने फिर किया अपने नापाक मंसूबे का खुलासा, भारत को दी जंग की धमकी। गुजरावाला में हाफिज सईद ने आसिया अंद्राबी का भी किया जिक्र, कहा फोन पर 15 मिनट तक रोती रही, पूछा मेरे भाइयों कहां हो। जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का कर्मचारी आरशी कुरैशी मुंबई में गिरफ्तार, आईएसआईएस के संपर्क का आरोप। आरशी कुरैशी पर लगे आरोपों को आईआरएफ ने किया खारिज, कहा जाकिर नायक को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश। परभनी में शिवसेना के विधायक का विधानसभा में सनसनीखेज दावा, कहा आईएसआईएस के संपर्क में है मराठवाड़ा इलाके के करीब 100 युवक। आप कार्यकर्ता सोनी की सुसाइड को लेकर जारी है सियासत, एबीवीपी ने दिल्ली के राजपथ में से इंडिया गेट तक निकाला मशाल जुलूस। वृद्धावस्था पेंशन में घोटाले के आरोप पर घिरी वसुंधरा सरकार, सरकारी कागज में स्वर्ग सुधार चुके बुजुर्गों के साथ कांग्रेस का धरना। पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच भिड़ंत, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। बिहार के बेगूसराय में पूर्व मंत्री वैद्यनाथ साहनी की बेटी की पत्थरों से कुचलकर हत्या, संपत्ति विवाद में वारदात का शक, 3 गिरफ्तार। यूपी में आलापुर में से समाजवादी विधायक पर दुराचार का आरोप, महिला ने पुलिस में दी शिकायत, एमएलए भीम प्रसाद सोनकर का आरोपों से इनकार। उत्तराखंड के कोटवार में दिल दहला देने वाला हादसा, देखते ही देखते पानी में बह गई वैगन आर कार, कार में सवार थे एक ही परिवार के 4 लोग, प्रशासन ने किया रेस्क्यू लेकिन 2 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली में द्वारका कोर्ट के सेशन जज ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, महिला रीडर ने लगाया था रेप का आरोप। दिल्ली के शादरा में बिहार से यूपीएससी की तैयारी करने आए 4 युवक गिरफ्तार, 100 लोगों के 7 धोखाधड़ी का आरोप। देहरादून में ओएनजीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक महिला सहित 3 गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में कुएं में दम घुटने से 3 लोगों की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा हुआ। यूपी के सीतापुर में चोरनी गैंग का पर्दाफाश, ज्वेलरी शोरूम में चोरी के दौरान सीसीटीवी में कैद। यूपी के झांसी में एक प्रेमिका ने एक प्रेमी को सरेआम चप्पलों से पीटा, घर से भागते वक्त परिजनों ने पकड़ा तो लड़के को लड़की से पिटवाया। दिल्ली में बेकाबू रफ्तार का कहर, पानी टैंकर के साथ कार और स्कूटी की टक्कर में करीब 50 साल की महिला की मौत। यूपी के फतेहपुर में अस्पताल में इलाज के दौरान वकील की मौत के बाद बवाल, वकीलों ने की तोड़फोड़। बिहार के औरंगाबाद में निर्माणाधीन सोलर प्लांट में नक्सलियों का तांडव, एक दर्जन वाहनों को फूंका। सेक्स रैकेट में गिरफ्तार रिटायर्ड कर्नल से पूछताछ में कई खुलासे, बिजनेस डील के लिए होता था कॉल गर्ल का इस्तेमाल, क्रिकेटर्स और नेताओं के शामिल होने का शक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बरसाती पानी से बने गड्ढे में डूबकर 2 छात्रों की मौत, घर से स्कूल जाते वक्त जानलेवा हादसा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में ट्रक और जीप की टक्कर, हादसे में 8 की मौत, 10 घायल। राजस्थान के धौलपुर में आटा चक्की फटने से एक नाबालिग की मौत, हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल।
कर्नाटक के गुलबर्गा में पुलिस कांस्टेबल की खुदकुशी, ट्रांसफर को लेकर कुछ दिनों से चल रहा था परेशान। यूपी के फतेहपुर में गंगा में डूबने से 20 साल की युवती की मौत, पुलिस ने परिवार के 4 लोगों को बचाया। यूपी के गोंडा में अभी खतरे के निशान से ऊपर है सरयू और घाघरा नदियां, आसपास के इलाकों पर बन रहा है बाढ़ का खतरा। बिहार के पूर्णिया में बाढ़ का कहर, पानी में डूब गए करीब 15 गांव, सुरक्षित स्थानों की ओर गांव वालों का पलायन। उत्तराखंड के चमोली, पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का है अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा टेस्ट में भारत विशाल स्कोर की ओर, कप्तान कोहली भी दोहरे शतक के करीब। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिखाने पर कंपनियों को एक दिन में मिल जाएगा पैन टैन रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स विभाग का ऐलान। मूडीज के मुताबिक 1,20,000 करोड़ है सरकारी बैंकों की पूंजी की जरूरत, सरकार ने लगाया था 45,000 करोड़ का अनुमान। सतत विकास लक्ष्य की लिस्ट में 110वें स्थान पर है भारत, 149 देशों की फेहरिस्त में पहले नंबर पर है स्वीडन। फॉर्च्यून 500 क्लब में भारत की 7 कंपनियां शुमार, राजेश एक्सपोर्ट्स ने ली ONGC की जगह, पहले नंबर पर है वॉलमार्ट। बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार, 92 अंकों की उछाल के साथ 27,803 पर बंद हुआ सेंसेक्स। कवाली के लिए एयर एशिया का खास आयोजन, बेंगलुरु से लोगों को लेकर चेन्नई पहुंचा प्लेन, लेकिन थिएटर को लेकर बवाल। देश भर के दर्शकों पर चढ़ा कवाली का बुखार, सिनेमाघरों में उमड़ी रजनीकांत के फैंस की भीड़। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया प्रचार, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का दिया नारा। अब भी जारी है डोनाल्ड ट्रंप का विरोध, रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनकारियों का हंगामा। फ्रांस के नीस आतंकी हमले में 5 संदिग्धों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 14 जुलाई को ट्रक से कुचलकर की गई थी 84 लोगों की हत्या। भारी बारिश से बेहाल हुई चीन की राजधानी बीजिंग, पानी भरने से बदली ऐतिहासिक म्यूजियम की ही तस्वीर। 2016 हो सकता है इतिहास का सबसे गर्म साल, पिछले 6 महीने के आंकड़ों के आधार पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है यह अनुमान। We'll be right back.